हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर न्यूज़। और कुछ दिनों से मैं आप लोगों को न्यूज़ अपडेट नहीं दे रहा था, क्योंकि वैसा कुछ न्यूज़ था नहीं बताने के लिए। बट हाल में ही ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई है कि मुझे फिर से एपिसोड को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। दोस्तों, पहली न्यूज़ निकल के आ रही है गोवा एयरपोर्ट से। आज से 6 दिन पहले 17 दिसंबर 2019 को एक बड़ा हादसा स्पाइस जेट के साथ होते होते बच गया। दरअसल ये प्लेन गोवा के एयरपोर्ट में लैंड करने ही वाला था, तभी रनवे कंट्रोलर ने देखा कि प्लेन का नोजविल ओपन नहीं हुआ है। फिर तुरंत ही एटीसी ने पायलट से कांटेक्ट किया और लैंडिंग को रोक दिया। दरअसल इस प्लेन के पीछे के दोनों लैंडिंग व्हील ओपन तो हुआ था, बट इसका नोजविल अटक गया था। पायलट ने दोबारा प्रयास किया और तीनों लैंडिंग व्हील्स ओपन हो गया, और इस तरह से एक बड़ा हादसा स्पाइस जेट के साथ होते होते टल गया। अगली न्यूज है इंडिगो की तरफ से। इस प्लेन में भी 2 महीने के अंदर 2 बार इंजन में आग लगने की खबरें आ चुकी है, और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो में भी डिस्कस किया था। अभी फिर से 3 दिन पहले इंडिगो फ्लाइट उड़ान भरने ही वाला था, लेकिन अचानक से प्लेन के उड़ान को रद्द कर दिया गया। प्लेन में कहीं से धुआं निकल रहा था। इसके बाद प्लेन को 2 घंटे तक जाँच किया गया, और 2 घंटे बाद इस प्लेन को दोबारा टेक ऑफ करने की इजाजत मिल गया। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि इन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाता है या फिर नहीं, क्योंकि ऐसी खबरें अक्सर इंडिया में देखने को मिल जाता है। अगली खबर कैलिफोर्निया से है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। फ्रेजनो योसेमिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आज से 4 दिन पहले एक लड़की को अरेस्ट कर लिया गया। 17 साल की एक लड़की ने किंग एयर 200 मॉडल, जो कि एक प्राइवेट प्लेन है, वो लड़की किसी तरह से उस प्लेन में घुस गई और प्लेन को स्टार्ट करके एयरपोर्ट में घुमाने लगी और एक बिल्डिंग के बॉर्डर में जाके ठोकर मार दी। हालांकि असल माजरा क्या है, क्यों ये लड़की प्लेन को चुराने की कोशिश कर रही थी, इसकी छानबीन अभी चल रही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो एयरपोर्ट में कैसे घुस गई, कैसे वो प्लेन तक भी पहुंच गई और प्लेन को स्टार्ट करके उड़ाने की कोशिश भी की। मतलब लड़कियां भी कमाल कर जाती है, मानना पड़ेगा। दोस्तों, लेक हेवेसू सिटी कोलोराडो रिवर के किनारे बसा हुआ है। कल सुबह यानी कि संडे को एक कपल ने सोचा कि संडे को थोड़ा फन डे बनाते हैं, और दोनों ने अल्ट्रा लाइट प्लेन में बैठकर उड़ने का प्लान बनाया। हालांकि प्लान तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन अचानक इंजन बंद हो गया, और इंजन को रिस्टार्ट करने के बाद भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। फाइनली इसे कोलोराडो रिवर के किनारे लैंड करा दिया गया, और दोनों अभी सुरक्षित हैं, और आशा करता हूं कि ये फन डे दोनों को जिंदगी भर याद रहेगा। अगली न्यूज आ रही है यूनाइटेड स्टेट की तरफ से। 3 दिन पहले यानी कि शनिवार को एक प्राइवेट प्लेन मोनपोन सेट लेक में क्रैश हो गया। हालांकि इस इमरजेंसी लैंडिंग में प्लेन को ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था, प्लेन में लगातार पानी भरने लगा था, इसलिए पायलट प्लेन के ऊपर चढ़ के हेल्प हेल्प चिल्लाने लगा। प्रॉब्लम ये था कि पायलट को तैरना भी नहीं आता था, यानी कि अगर प्लेन डूब जाता तो उसका भी। आसपास के निवासियों ने प्लेन को देखा और पायलट को सुरक्षित नदी से निकाल लिया गया, और अगले दिन प्लेन को भी निकाल लिया गया। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगर कोई न्यूज मिला तो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।